आज इस देश में चार पूर्व मुख्यमंत्री जेलों में है। काले धन के खिलाफ सख्त एसआईटी के गठन से लेकर सख्त कानून बनाने और जांच की वजह से जो हड़कंप मचा है उससे बहुत लोगों को एक मंच पर लाकर के खड़ा कर दिया है। पांच हजार करोड़ के घोटाले के आरोप में जमानत पर चल रहे लोग हो या अलग अलग आरोपों और घोटालों में गिरे हुए लोग हो, ये सारे अब इकट्ठे हो रहे हैं। ये देश को बचाने के लिए नहीं, ये खुद को बचाने के लिए, अपने अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए एक होकर अस्थिरता पैदा करके उसका फायदा उठाने की फिराक में है।